नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी पेशकश सीधे वॉर जोन से। और कैसे पुतिन चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, वो ऐसा कौन सा दाव है जो पुतिन के खिलाफ सामने आया है? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ अपने अभियान में कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि पहले अमेरिका, नाटो, संयुक्त राष्ट्र के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब दुनिया भर की नजर पुतिन के अगले कदम पर है, जिसकी बानगी भी देखने को मिलने लगी है। यूक्रेन के साथ साथ रूस ने यूरोप के खिलाफ भी अब मोर्चा खोल दिया है, यानी अब ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं हो रही बल्कि इंटरनेशनल कूटनीति भी इसमें पूरा खेल रही है। शह और मात की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, किसकी होगी हार, आज हम आपके सामने परत दर परत एक एक बात रखेंगे। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन की रूस के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईयू ने रूस को आतंकवाद बढ़ाने वाला देश घोषित कर दिया है। यूक्रेन में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की यूरोपियन यूनियन ने निंदा की है कड़े शब्दों में। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईयू ने रूसी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। पहले भी यूरोपीय यूनियन रूस पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। और आप देखिए, आतंकवादी देश घोषित करना अपने आप में ये बहुत बड़ा कदम। तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कैसे रूस पिछड़ता जा रहा है और यूरोपियन यूनियन ने क्यों आखिर रूस को आतंकी देश कहा है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ये यूरोपियन यूनियन का जो चक्रव्यूह है उसमें फंसता जा रहा है रूस। क्योंकि यूरोप की यहाँ पर मौजूदगी और यूरोप की स्ट्रैटेजी, हर एक इस पर नज़र रखे हुए हैं। और रूस के खिलाफ क्या कुछ प्रस्ताव जारी किया है यूरोपियन यूनियन ने, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन क्या लिया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ ये एक्शन लिया, रूस को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित कर दिया है, जो कि सबसे स्ट्रांग रिएक्शन यूरोपियन यूनियन का है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में 494 वोट पड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि जबकि प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ 58 वोट ही पड़े, तो यानी यूरोपियन यूनियन ने ये प्रस्ताव पास किया। यूक्रेन पर हमले की यूरोपीय संघ ने तीखी निंदा की है और आलोचना की है। रूस के हमले को युद्ध अपराधों के समान कहा है। जो रूस हमले कर रहा है वो वॉर क्रिमिनल्स की श्रेणी में आता है। यूक्रेन को आर्थिक मदद के तौर पर 18 अरब यूरो देने का ऐलान हुआ है। तो ये यूरोपियन यूनियन का रचा हुआ चक्रव्यूह है जो कि सामने आया है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ महेश सचदेव जी हैं, पूर्व राजदूत डॉक्टर अंशु जोशी जी फॉरेन एक्सपर्ट इस खास पेशकश में जुड़ रही हैं, और ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अंशु जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ इस प्रतिक्रिया की। स्ट्रैटेजिकली यूरोपियन यूनियन ये ठान कर बैठा है कि रूस एक आतंकवाद देश है, और अब तो उन्होंने इस प्रस्ताव को पास भी करा लिया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, वॉर क्रिमिनल गतिविधियों को बढ़ा रहा है। जिस तरह का काम है रूस का, ऐसा लगता नहीं है कि अंत करेगा युद्ध का। इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो कूटनीतिक कारण है। यूरोपियन यूनियन तो एक आर्थिक संगठन है, और इसके जो सदस्य देश हैं वो जो नाटो नाम का मिलिट्री अलायंस है उसके सदस्य देश हैं, जो प्रमुख देश हैं यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए, वही नाटो से भी जुड़े हुए देश हैं। तो अब नाटो के तौर पर तो वो एक इनडायरेक्ट वॉर कर ही रहे हैं रशिया के साथ, तो अब यूरोपियन यूनियन के नाम पर वो जो कर रहे हैं उसको क्रेडिबिलिटी प्रदान करने के लिए अब रशिया को एक आतंकवादी देश या आतंकवाद बढ़ाने वाला देश घोषित कर रहे हैं। इसका दूसरा प्रमुख कारण ये है कि ऊर्जा संकट को लेकर और ऑयल एंड गैस सप्लाई को लेकर जिस तरह से यूरोपियाई देशों की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, और अब जो प्राइस कैपिंग को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है, और इसकी वजह से यूरोप के देशों में जिस प्रकार से बड़ा एक ऊर्जा का और आर्थिक संकट पैदा हो गया है उसको बिल्कुल अंशु जी, ये कितना इस आग में और घी का काम करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।